क्या सीएस रंग में तुम ज्यादा ज्यादा किल नहीं निकाल पा रहे हो? क्या सीएस रंग में तुम बुया नहीं कर पा रहे हो? हाँ। क्या सीएस रंग में तुम्हारा फास्ट रैंक पुशिंग नहीं हो रहा है? अरे हाँ भाई हाँ। तो ये यार वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है एंड इस वीडियो में बहुत ज्यादा खास खास हिडन प्लेस बताने वाला हूँ। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट हिडन प्लेस पर था रीमनाम विलेज पे एंड रीमनाम विलेज पे आपको मिनिमम 1 ग्लो का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं ग्लो लगा रहा हूँ अब भी सिंपल से ग्लो लगा लेना, लेकिन देखो जैसे मैंने लगा वैसे ही लगाना नहीं तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। एंड यहाँ से आप सिंपल से जंप करके यहाँ पे आ जाओगे एंड फिर गेस बहुत ईजी ना, ये छोटे से चिमनी टाइप में कुछ बना हुआ है तो आप इसका कवर लेकर ना बहुत से खड़े हो जाते। तो अब देखो मेरे सामने बंदा आता है लेकिन जो मेरा एम होता है वो ऊपर चले जाता है तो फिर से कवर में आ जाता हूँ एंड फटाक से ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ एंड बहुत एक इजी एनमी डाउन भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो एक एनमी डाउन हुआ था एंड दूसरा एनमी जैसे उसको जाता है रिवाइव करने के लिए उसको बहुत इजी डाउन करता हूँ। अब एक एनमी देखो एक एनमी दो एनमी बचे थे लेकिन दोनों एनमी मेरे सामने थे, एक एनमी ऊपर थे एक एनमी नीचे था। देखो नीचे वाले एनमी को मेरा टीममेट किल कर देता है एंड ऊपर वाले को मेरा टीममेट किल कर देता है लेकिन यहाँ पर बहुत इजी बुया भी हो जाता है। सेकंड हिडन प्लेस होने वाला है इसी प्लेस में होने वाला। आपको इस टू को यूज करने के लिए आपको मेन टू ग्लो का यूज करना पड़ेगा एंड ये हिडन प्लेस का यूज करके आप इनको बहुत इजी किल करने वाले हो। देखो सिंपल आप यहाँ पे जंप करना, ग्लो को फटाफट जंप करना। अब देखो जैसे ग्लो जंप करके आते हो तो आप यहाँ पे सिंपल से आकर देखो इसे बहुत ही अच्छे से आप कवर में आ जाते हो। अब यहाँ पे देखो सामने एक बंदा था इसको फटाफट फिनिश कर देता हूँ। अब मेरा टीममेट डाउन हो जाता है क्यों? क्योंकि सबसे सामने एक बंदा था एंड उस बंदे को मैं सही से एम नहीं कर पा रहा इसे बार बार फटाफट में कवर में आकर खड़ा हो जाता एंड एक बंदा का नेट चला गया था तो उसको बहुत ही डाउन करता हूँ। अब सिर्फ बाकी सिर्फ दो बंदे बच चुके थे तो अब दो बंदे भाई बहुत ज्यादा परेशान करते हैं लेकिन उतने में क्या होता है एक एनिमी रिवाइव हो जाता है फिर से तो उसको फटाफट फिर से डाउन करता हूँ लेकिन भाई वो फिर से रिवाइव हो जाता है। मैं ग्लोबल फोर्ड नहीं पता जो मैं ग्लोबल फोड़ता हूँ तो बंदा भागने लगता है, मैं इसको एक बार और डाउन करता हूँ। एक ही बंदे को मैं तीन बार डाउन करता हूँ एंड यहाँ पे देखो लास्ट वाले बंदे को बहुत इजी किल कर ट्रिपल के साथ विक्टर कर लेता हूँ। रिवर्स साइड का ये प्लेस सबसे ज्यादा आज के टाइम में मुश्किल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा ऐसा मेन मेन ट्रिक ना वर्क नहीं कर रही है। ऐसे कुछ ट्रिक वर्क जो करती है ना तो एनमी बहुत इजी में फिनिश करते हैं। तो देखो इस ट्रिक को यूज करो आपको बहुत ज्यादा सिंपली ये ट्रिक वर्क कर जाएगी एंड बहुत इजी एनमी को आप किल कर दोगे। देखो पहले तो आप ग्लोअल लगा लो क्योंकि आप यहाँ पे कवर में रहोगे तो जब ग्लोअल लगा लेते हो तो फिर आप यहाँ पे आराम से बैठ जाओ एंड देखो सामने से बंदा आ रहा है नहीं आ रहा। अगर सामने कंट्रोल का बंदा होता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो एंड यहाँ पे जैसे वहाँ पे बंदे हट जाते हैं तो आप क्या करना फटाफट ना रन कर देना ग्लोअल के ऊपर एंड फटाफट ग्लोअल पर रन कर देना एंड ग्लोअल पर जैसे जंप करते करते आते हो तो बहुत ही आप यहाँ पे आ जाओगे एंड आपको पता ही जब यहाँ पे आ जाओगे तो मैच तो आपके सारे हाथ में ही आ जाएंगे। तो देखो आप यहाँ पे रहकर फायदा भी उठा सकते हो एंड यहाँ से ज्यादा किल भी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा किल निकाल सकते हो। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा हार्ड ना इससे ज्यादा मस्त मस्त हिडन प्लेस बताने लगा तो वीडियो में जो से रुके रहना। सो हमारा नेक्स्ट हिडन प्लेस बढ़ जाता है सिपयार्ड पे एंड देखो सिपयार्ड पे आपको यहाँ पे मिनिमम 1 ग्लो का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं ग्लो सेटअप कर रहा हूँ आप भी सिंपल से ग्लो सेटअप कर रहा एंड बहुत बहुत ज्यादा ये सिंपल एंड बहुत ज्यादा एज ए ना बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखो सिंपल से ग्लो लगाना, सिंपल से जंप करना, यहाँ पे अगर लेट जाना। अब यहाँ पे अगर लेट जाते हो ना तो ऐसे अपने हाथ में एक वेपन पकड़ना कि उस वेपन को ना आप मिड रेंज में एंड लॉन्ग रेंज में काफी अच्छे से यूज कर पाओ क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट रेंज का काम नहीं पड़ेगा, मिड रेंज का काम पड़ने वाला एंड लॉन्ग रेंज का काम पड़ने वाला। तो मैं सिंपल से एक ही किल निकाल पाता हूँ लेकिन बहुत ही अच्छे से मैच को विन कर जाता हूँ तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हिडन प्लेस पढ़ने वाला हमारा ऑब्जर्वेटरी प्लेस पे एंड देखो यहाँ पे जैसे मैं ग्लोअर लगा रहा हूँ सिंपल से ग्लोअर लगा लेना एंड फटाफट जंप कर रहा, फटाफट जंप करते हो ना तो फटाफट आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ से जंप कर फटाक से यहाँ पे जंप कर रहा एंड 100% मैं कंफर्म देता हूँ ना, लिख के देता हूँ भाई यहाँ पे एनमी देखेगा नहीं भाई, उसका ध्यान यहाँ पे क्यों आएगा भाई, वो नीचे फाइट कर रहा है ऊपर थोड़ी नहीं फाइट कर रहा है एंड ना भाई 100% चांस है कि आप यहाँ पे बहुत ईजी किल निकालोगे। अब देखो यहाँ पर अगर जोन भी आ जाता है पास में तो आपको सिंपल से एक ट्रिक का वर्क करना, आपको सिंपल से यहाँ पे जंप करना। अब यहाँ पे तो और भी ज्यादा कवर में हो जाओगे, एनमी भाई पता है एनमी को पता ही नहीं चलेगा कि उससे डैमेज पड़ रही है तो कहाँ से पड़ी है एंड देखो जो सामने बहुत ईजी बंदे फिर कभी कभी फाइट करते हैं तो उनको बहुत ईजी किल कर सकते हो। अब देखो जोन अगर आपको ज्यादा पास में आ जाए तो फटाफट सिंपल से रन करते हुए टायर से जंप करके ऊपर चले जाना एंड ऊपर से जाकर बहुत ईजी एनमी किल कर सकते हो बिल्कुल मेरे जैसे। अब मैं आपको किल करके दिखाता हूँ, नहीं तो बोलोगे भाई आप तो झूठ बोलो यहाँ से किल कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं
सिंपल से आ गए हो, एक बंदे को बहुत ही जिकल कर देता हूँ एंड बहुत ही मैच को विन करा देता हूँ। तो इसके लिए तो सब्सक्राइब बनता है, तो प्लीज सब्सक्राइब उसे कर देना। हमारा नेक्स्ट स्टेप इज काफी तो सिंपल होने ना। देखो सिंपल से अभी यहाँ पे लेट जाना। अब बोलोगे भाई ये क्या बता रहे हो, ये तो बहुत ही जब बंदे मार देंगे। अरे यार नहीं मारेंगे, देखो जो सामने से बंदे रन करके आते हैं ना तो उनको फटाफट डैमेज देना है। अब वो बंदे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, उनको डैमेज बढ़ का असर है। तो देखो यहाँ से आप सिंपल से लेट गए ना, बहुत ही जो उन बंदों को डैमेज दे सकते हो बिल्कुल मेरे जैसे। एंड गाइस मैं आपको बता ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना जब रोगे ना तो ऊपर ऊपर बंदे फाइट करते हैं, वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आप बहुत ही आप यहाँ पर रहकर बहुत ही किल निकाल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में रहना, लास्ट तक मत रहना, नहीं तो लास्ट तक बहुत ही अच्छे से आपको बंदे कूट देंगे। हाँ तो आप स्टार्टिंग के टाइम में ये वाल्टर का यूज कर सकते हो, जो स्किन किल बहुत इजी आराम से निकाल लोगे। नेक्स्ट हमारा हिट बस यही प्लेस पे होने वाला है। अब देखो जैसे मैच स्टार्ट होता है ना तो सिंपल से यहाँ पे गुरु लगा ले, एक टीममेट को अपने नीचे बैठा देना एंड फटाक से ऊपर जंप करके आ जाना। सामने से बंदे रन करके बस आते ही होंगे, उनको बस आपको किल करना है और भी कुछ भी नहीं करना है। तो देखो सामने से बंदा रन करते हुए आते हैं, उसको बहुत इजी किल कर दिया एंड एक एनिमी को बहुत ही मस्त तरह डैमेज दिया, लेकिन पता नहीं वो बंदा कहाँ पे निकल गया। एंड मेरे टीममेट जो भाई इतने ज्यादा मतलब इतावले थे एनिमी को किल करने के लिए कि भाई चढ़ चढ़ के वो एनिमी को किल कर रहे थे एंड मुझे तो किल मिले ही नहीं। तो हमारे बहुत ही जैसे विक्ट्री हो जाता है। सो नेक्स्ट प्लेस फैक्ट्री के ऊपर होने वाला। अब देखो बहुत सिंपल है, सिंपल से स्कोप ओपन करना, सिंपल से यहाँ पे कंट्रे के ऊपर जंप करना। अब बोलोगे भाई ये क्या एडम्बल से, देखो यार सिंपल से बस लेटे रहो एंड एक एनिमी को अपने ऐसे बोल देना कि तुम यहीं पे बैठ जाओ एंड ना वैसे नूब फायर करो। अब देखो बंदे आएंगे ना नूब फायर सुन के तो उनको सिंपल से आप किल भी कर सकते हो यहाँ पे लेटे लेटे। अब देखो देखो मेरा जो टीममेट था ना सिंपल से मेरे पास ही बैठा था एंड वो नूब फायर करता है। तो क्या होता है ना एक नूब फायर सुन के ना एनिमी फटाफट मेरे ऊपर रस करता है, सॉरी मेरे टीममेट पर रस करता है, मेरे ऊपर नहीं। अब देखो जैसे रस करने आता है ना मैं बहुत ईजी किल कर दूँ। अब वो जब तक समझता है ना कि मुझे डैमेज पड़ का असर है तब तो वो घुटने टेक देता है एंड यहाँ मैं सिंपल से ऐसे लेटा ही पड़ा था एंड यहाँ पर सिर्फ एक बंदा वो बच गया था। अब देखो तुम लोग बोलो भाई आप इस साइड क्यों आ रहे हो, देखो यार इस साइड आने का फायदा एक ही होता है कि मुझे एक और किल भी मिल जाता है। अगर मैं इस साइड नहीं आता ना तो जो मेरा टीममेट था ना वो किल करने के लिए बिल्कुल उतावला हो गया था। इससे मैं क्या करता हूँ फटाफट यहाँ पे उठ के बैठ जाता हूँ एंड बहुत ही एक किल कर देता हूँ एंड बहुत ही यहाँ पे विक्ट्री हो ही जाता है। एंड हाँ कुछ बंदे बोल रहे थे भाई कलहारी मैप का हिडन बस लेकर आओ। अब देखो इससे मैं कलहारी मैप का हिडन बस लेकर आ गया। तो देखो यहाँ पर ना सिंपल से आपको 3 ग्लोवल का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं ग्लोवल सिंपल से सेटअप करूँ ना, अभी सिंपल सेटअप कर देना एंड बहुत इजी ग्लोवल सेटअप हो जाते हैं। अब देखो भाई बहुत ज्यादा लंबा ट्रैवल करके आया हूँ तो प्लीज भी एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चाहे अपन नहीं हो तो क्या करो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड देखो ये हिडन बस कैसे यूज करो, अब भी सिंपल से ऐसे यूज कर सकते हो एंड फटाफट यहाँ पे आ सकते हो एंड जब यहाँ पे टॉप पे आ जाओगे तो बहुत इजी एनिमी किल कर दोगे। अब मेरा नेट थोड़ा सा खराब चल रहा था इसमें एनिमी किल नहीं कर पा रहा, जब तक मैं उसको डैमेज देता तो वो निकल जा रहे थे एंड फिर बाद में पता चल रहा था कि वो डाउन हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि मेरा नेट बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। सो नेक्स्ट मैटर पे सुन रहे बरमुंडा बगुंडा मैप पे देखो यार कमेंट आ रहे थे तो आपको कमेंट के ऊपर आप में जो वीडियो बनाना तो पड़ेगा ही ना। तो देखो बेस्ट हिडन प्लेस बता रहा हूँ एंड इस हिडन प्लेस का यूज करोगे तो आप बहुत इजी ना चारों तरफ के एनिमी किल कर सकते हो एंड कवर में भी रह सकते हो। अब यहाँ पे देखो इतना ज्यादा नेट मेरा खराब चल रहा था, जो मेरी मानसिक स्थिति थी ना वो बिल्कुल हिल गए थे क्योंकि गाँव पर रहकर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था एंड मुझे यहाँ पे अपने मतलब घर पे आना पड़ा जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं सिंपल से आता हूँ एंड फिर वीडियो बना के कैसे भी करके मैं एक्सपोर्ट करके अपलोड ये करूंगा। तो देखो गांव में रहने में भाई मेरा नेट बहुत बहुत ज्यादा बेकार पकड़ा। देखो यार जो बंदे गांव से होंगे वो मेरी बात को बहुत ही अच्छे समझते होंगे कि गांव में नेट कितना ज्यादा खराब चलता है। एंड गाइस देखो अभी तो वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड कटाना ना क्लास स्क्वाड में प्रो तरीके से यूज करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लो एंड और भी हिडन प्लेस का वीडियो देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।